Hello students, a very warm welcome to all of you once again for this video of Misostudy video classes. And the topic is mentioned as black body radiations. Very interesting topic. And सबसे important बात क्या है कि यहाँ से एक question आपको मिलना ही मिलना है. कई बारी तो आप ये कह सकते हो कि modern physics में भी ये चीज आती है. तो इस concept के basis पे वो question आपको मिलना है. आज हम दो इंपॉर्टेंट लॉज भी पढ़ेंगे, एक स्टीफन लॉ एंड एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और उन फॉर्मूलों के बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो ये जो टोटल आज हम कवर अप करने चल रहे हैं इस वीडियो में, आप मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके श्योर शॉट हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, चाहे न्यूटन्स का लॉ ऑफ कूलिंग हो. ये टॉपिक सब छोटे छोटे हैं, लेकिन ब्यूटिफुल आस्पेक्ट ये है कि दे विल गिव यू मिनिमम 8 मार्क्स. Fine, if you are talking in terms of JEE mains and in terms of NEET exam, okay? So let's start this discussion of black body radiation, and all other terms comes under this particular, you can say, subtopic. So black body, सबसे पहली बात कि black body है क्या? General आपके मन में perception होता है कि say for example मेरे पास ये chalk holder है, तो अगर ये black color का है तो ये black body है, which is not correct. Fine, which is not correct. In terms of colors, it may be like that, it is a black colored body, but it is not a black body. Kya hai black body? To aaiye, ek simple sa point main yahan pe aapko elaborate karta hun. A body or object which absorbs radiations of all wavelengths, incident upon. ठीक, तो सबसे पहली जो मैंने बात करी वो कलर की बात करी ही नहीं. मैंने क्या कहा कि कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, चाहे ये मैं कलरफुल एक चॉक बॉक्स ले लेता हूं, ठीक है ना, वेरियस कलर्स आर देयर. तो कहीं भी मैंने कलर का कॉन्सेप्ट तो रखा ही नहीं. मैंने क्या कहा कि एनी बॉडी विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंस इंसिडेंट अपॉन इट. मान लीजिए इस चॉक बॉक्स को मैं ऐसे रखता हूं और ये जो लाइट्स लगे हुए स्टूडियो में, इफ द रेडिएशन इज कमिंग ऑन इट और ये सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, भाई व्हाइट लाइट है तो 7 कलर्स तो होंगे, तब ये ब्लैक बॉडी कहलाएगा. एंड जब ये सब रेडिएशन सारी वेवलेंस एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका कलर मुझे ब्लैक लगना चाहिए. इट शुड बी लाइक अ ब्लैक कलर इन ओरिजिन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, that when a body which absorbs radiations of all wavelengths incident upon it, that is black body. So, chaliye ab dusra point bhi hum log isme mention kar lete hain ki so likhna chahiye, nahi seedha likhte hain, outcome hi hai to hum kyon isme wo lagaye. Its absorption coefficient या absorptance, ठीक है ना, so its absorption coefficient is equal to unity. अब आप अगर याद करें तो एक वीडियो में मैंने आपको reflectance, transmittance और absorptance के बारे में बताया था, ठीक. तो एब्जॉर्बेंस अगर 1 है तो इसका मतलब हुआ a प्लस r प्लस t इक्वल टू 1 था. तो अगर a 1 है देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कि भाई जो रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस है वो 0-0 रहेगा, ना तो कुछ ट्रांसमिट होगा इसमें से ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा. अच्छा, तो इस एब्जॉर्बेंस कोफिशियंट या एब्जॉर्बेंस के कारण, क्योंकि ये यूनिटी है, मतलब 1 है, वैसे ये 1 होता नहीं है, ये होता है 0.99, तो नियर अबाउट 1 हो गया, है ना, टू यूनिटी.
तो ये रिफ्लेक्ट कुछ करता ही नहीं है. सो रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू जीरो. तो जब भाई कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है तो मुझे बॉडी दिखेगी ही नहीं. अब सोचिए कि मान लीजिए मैं सारी लाइट्स बंद कर दूं इस स्टूडियो की, ठीक है, तो कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा? नथिंग, ब्लैक, पिच डार्क. तो क्यों पिच डार्क रिकॉर्ड करेगा कैमरा जो कि लगा हुआ मेरे सामने? बिकॉज नो लाइट रेडिएशंस, लाइट वेव्स आर रीचिंग टू द लेंस एंड टू द सेंसर ऑफ द कैमरा, सो इट विल रिकॉर्ड ब्लैक. फाइन, पिच डार्क. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि खाली जो कलर है ना वही ब्लैक बॉडी होने के लिए जरूरी नहीं है, बट उसमें यह प्रॉपर्टी होनी भी जरूरी है. चलिए मैं एक दो ना एग्जाम्पल लिख देता हूं. एग्जाम्पल, अब पहला एग्जाम्पल मैं जो लिखूंगा, आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे. एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं सन. लगा होगा कुछ लोगों को कि सन पहला एग्जाम्पल है. यस, देखिए ऐसा है, ब्लैक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, अगर ये सारे के सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती है तो एक इसकी और अच्छी बात है कि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स पे ऑल वेवलेंथ्स इट विल एमिट आल्सो. ये अपने पास कुछ नहीं रखेगी, ठीक. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देगी तो इसका कलर कैसा दिखना चाहिए? जस्ट लाइक सन. तो ब्लैक बॉडी खाली यही कॉन्सेप्ट नहीं कि एब्जॉर्ब कर लेना, हमें कुछ अपने पास नहीं रखना है. इसे क्या बोलेंगे? बिहेवियर ऑफ लाइक अ साधु और अ सेंट. नथिंग इज माइंड, नथिंग इज ऑफ एसोसिएटेड विद मी, ठीक है, सन. अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो कि हम डिफाइन भी करेंगे. और भाई ये एग्जाम्पल है एक साइंटिस्ट के नाम पर, फेरीज ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी, ठीक है. तो हम लोग ना इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. अब सन तो हम जानते ही हैं सन के बारे में, तो आइए मैं यहां पे आपको बताता हूं फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना. मैं एक कलरफुल डायग्राम बनाता हूं, हेडिंग डाल देता हूं फेरीज ब्लैक बॉडी. ओके, कॉन्सेप्ट इसका क्या है वो विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलिए एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक. इस स्फीयर की इनर लाइनिंग भी बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है. और अब मैं एक रेड कलर की चौक ले लेता हूं, थोड़ा सा कैमरे से अलग हटके, डोंट वरी. तो इस रेड कलर की चौक से मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूं लाइक दिस. जरूरी है, मैं भी बताता हूं ये क्यों जरूरी है, है ना. दरअसल इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट एनी एक्सपेरिमेंट, कुछ आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक डायग्राम तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है. सो दिस इज लाइक दिस. ये इस तरीके से मैंने इसका आउटर पोर्शन जो है वो सॉलिड कलरफुल कर दिया. अभी मैं नॉमेनक्लेचर करूंगा इसका तो आपको ये थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना. अभी इसकी आउटलाइन को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस. ओके, एक और आप इसके ऊपर आउटलाइन देखिए. मान लीजिए कभी डायग्राम पूछा जाता है ना, तो एटलीस्ट हम लिख ज्यादा ना सकें बट कम से कम डायग्राम तो करेक्ट करेक्ट बना सकें, ठीक है. और इसके अंदर ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डॉटेड शो कर देता हूं. चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट काम मुझे एक करना है, उसके लिए मैं एक थोड़ा सा शार्प कॉर्नर का डस्टर यूज कर रहा हूं. ये कट मुझे लगाना था यहां पे, ठीक है. एक माइन्यूट सा यहां पे ओपनिंग मुझे शो करनी थी, और इस ओपनिंग के ठीक सामने अगर आप देखें तो ऐसे करके अगर आप लाइए तो यहां पे मुझे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करना है. वो क्यों शो करना है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक. चलिए अब जरा इसके नॉर्म को देख लेते हैं, नॉमेनक्लेचर को. तो पहला मैं पॉइंट इसी के बारे में बता रहा हूं,
conical projection. ठीक है, एक्चुअली ऐसा है, देखिए एक ना जो है रे आई रेडिएशन की इस तरीके से, ठीक। अब अगर ये कॉनिकल प्रोजेक्शन नहीं होगा तो ऐसे टकराएगी और वापस निकल जाएगी, तो हमारा ब्लैक बॉडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही फेल हो चुका होगा। लेकिन जब ये इस तरीके से आएगी तो ये कॉर्क इसके बिल्कुल पॉइंट पे भी आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, कहीं ना कहीं अंदर निकल जाएगी। तो ऐसे आई, इधर चली गई, फिर इधर चली गई, फिर इधर आ गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, लाइक दिस वे, देन दिस वे, देन दिस वे, एंड देन दिस वे। तो इस तरीके से पूरा रेडिएशन इसी में घूम रहा है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल, दिस पोर्शन होल एक्ट्स एज ब्लैक बॉडी। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है बट ये वो एक होल है, ब्लैक बॉडी की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई जो भी रेडिएशन आया बाहर नहीं गया, सारा का सारा ड्यू टू एनी अरेंजमेंट अंदर ही रह गया। अच्छा, अब इसका नाम जरा देखते हैं कि ये जो हमने एक पोर्शन थोड़ा डार्क किया था ना, ये है क्या बेसिकली, ये है भाई लैंप ब्लैक कोट। ठीक, ये कोटिंग होती है एक तरीके की। ओके, तो अब मुझे ये सारे, हाँ इसका मैं यहां पे इंडिकेशन कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसका नाम हो गया कॉनिकल प्रोजेक्शन, ये हो गया लैंप ब्लैक कोट ये वाला, और ये हो गया एक होल जो कि एक्ट कर रहा है एज अ ब्लैक बॉडी। अब रेडिएशन आप देखिए इसी के अंदर ट्रैप है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। तो ये है फेरीज ब्लैक बॉडी। ठीक, अब जो एक फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना होता है नॉर्मली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एसोसिएटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो देखिए ब्लैक बॉडी से एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चन आने हैं, तो पहला टर्म तो आप ये करेंगे जो टेम्परेचर गिवन होगा आपको, उसको आप हमेशा केल्विन में चेंज करेंगे, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड यूज नहीं करेंगे। तो टी शुड बी ऑलवेज इन केल्विन। ठीक है, तो वॉट एवर टेम्परेचर इज गिवेन यू हैव टू एड 273 इन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। फाइन, नाउ फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू मेंशन टू लॉज। ओके, वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोग अब इसकी बात करेंगे। पहला लॉ है स्टीफेंस लॉ। अच्छा, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो लॉज हैं, एक स्टीफेंस लॉ, एक स्टीफन वोल्चमैन लॉ। मैं दोनों आपको एलेबोरेट करूंगा। अंतर क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वंस अगेन आई से आई हैव दिस चॉक बॉक्स। फाइन, अच्छा इसका टेम्परेचर, इसके अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म है कि ये हीट कर रहा है, इट्स लाइक जस्ट एन इनसाइड वन, यू कैन से हीटर इनसाइड प्लेस्ड। तो अगर मैं इसको ऐसे रख लूंगा, ठीक है ना, नाउ डोंट से कि आपका पाम जल जाएगा, प्लीज देयर इज सम अरेंजमेंट लाइक दैट। इसको मैंने ऐसे रख दिया स्टैंड पे, अब ये जब गर्म हो चुका होगा ना तो मैं इसके आसपास भी अपना पाम लाऊंगा, ये पाम नहीं है, ये यहाँ एक स्टैंड है, ठीक है, उसके बाद ये पाम आ रहा। अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ अपने हाथ को, तो आई विल सेंस सम अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन। अगर मैं आंख बंद करके भी इसके पास आऊंगा, स्टिल आई कैन से सम शॉर्ट ऑफ हीट सोर्सेज अवेलेबल। ओके, so here the formula that I'm going to mention over here, we have to apply that particular formula, but practically kya hoga, say for example in this studio air conditioning device is also acting, fine, to wo temperature kam kar rahi hai। ab agar 100 degree centigrade ki ye object main yahan rakh deta hu aur room temperature hai roughly 20 degree, to kya hoga, ye outside ko bhi heat radiations lose karega। theek hai, तो यहां पे हम लोग जब बात करेंगे तो ये है फॉर्मूला अबाउट रेडिएशंस एसोसिएटेड विद सिंगल बॉडी।
हम ये कंसिडरेशन इसमें कर ही नहीं रहे हैं कि कोई और ऑब्जेक्ट इसके आसपास अवेलेबल है या नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं आप अस्यूम कर सकते हो। क्यों भाई? मान लीजिए मैं एक आइस का बड़ा सा ब्लॉक रख देता हूं यहां पे और पास में एक हीटर रख देता हूं, तो डू यू थिंक कि रेट ऑफ आइस मेल्टिंग इज गोइंग टू इंक्रीज? ऑब्वियसली, बिकॉज हीटर इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी। बट यहां पे हम सिर्फ ये अस्यूम कर रहे हैं कि केवल या तो हीटर है या ओनली द आइस ब्लॉक इज देयर। फाइन, तो जो रेडिएशंस हैं, हीट एनर्जी जो एमिट हो रही है भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टी टू द पावर 4, यानी कि टेम्परेचर, दैट टू कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और उसकी पावर कौन सी? फोर्थ पावर। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, सिग्मा। ठीक, ये लॉ आप तब अप्लाई करोगे जब केवल और केवल सिंगल बॉडी अवेलेबल है आपके पास में, नो रिक्वायरमेंट एज सच ऑफ एनी अदर पैरामीटर ओवर हियर। एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, हालांकि वो फॉर्मूला जो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से रिमेम्बरिंग, आप कह सकते हैं ये होता है 6 × 7 × 10⁻⁸ यूनिट्स। ठीक है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो इससे आपको एनर्जी मिल गई जो किसी टेम्परेचर पे बॉडी एमिट कर रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अब तो भाई, रेट ऑफ हीट एमिशन, ठीक है, नाउ दिस रेट ऑफ हीट एमिशन इज एसोसिएटेड विद व्हाट? दिस रेट ऑफ हीट एमिशन is obviously associated with this body. Fine. So here one important aspect is, let's try to understand the difference why I am going to relate this particular formula. This one is a chalk box. Area आपको दिख रहा है, six faces का काफी छोटा सा area है मेरे पास में। ठीक, ये duster आपको दिख रहा है, again 1, 2, 3 six faces but area। तो इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला अभी तक मैं ये बोल रहा हूं ये करेक्ट नहीं है। यस, क्यों? क्योंकि हीट रेडिएशन इस चॉक बॉक्स की सरफेस से जितना होगा, क्या सेम टेम्परेचर पे उतना ही हीट रेडिएशन इस बड़े से डस्टर से भी होगा? नो, इसे ज्यादा होना चाहिए। फाइन, आप लोग देखो ना, जैसे रूम में, एक छोटे रूम में हम लगाते हैं रूम हीटर, तो छोटे साइज का रहता है। अगर रूम बड़ा होता है तो हम बड़ा हीटर क्यों प्लेस करते हैं? बिकॉज वी नीड मोर एरिया, ओनली देन वी विल गेट द रेडिएशंस। तो अगर यहां पे मैं इसको अप्लाई करूं, ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूले में रेट ऑफ हीट एमिशन इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया। ठीक, कैसे? तो भाई यही फॉर्मूला आपका जो हो जाएगा ए टी टू द पावर 4। ठीक है, तो देखिए, ये तो आपका एक रिजल्ट हुआ और एक रिजल्ट आपके पास ये आया। अगर एरिया गिवन है तो आप इसको यूज करेंगे, लेकिन अभी भी ना तो इस रिजल्ट में ना तो इस रिजल्ट में मैंने ये कंसीडर किया कि आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, इस एसी को, जो इस दो एसी लगे हुए हैं, 2-3 AC इस स्टूडियो में, इट्स अ बिग वन स्टूडियो, सो इफ यू फिक्स द टेम्परेचर 16, 16, 16, फाइन, क्या होगा? थोड़ी देर में इस रूम में खड़े होना मुश्किल हो जाएगा इन दीज हाफ टी शर्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आउटसाइड टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, अगर कॉफी को मैं उस रूम में रख दूं जहां पे ये 3-3 AC 16 डिग्री का टेम्परेचर रखे हुए हैं, तो 85-80 डिग्रीज की कॉफी बहुत जल्दी फटाफट 16 डिग्री पे आ जाएगी। लेकिन अगर एक भी एसी ना चल रहा हो और रूम का टेम्परेचर रफली 27-30 डिग्रीज हो, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड की कॉफी मैं यहां पे रखूंगा, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर द कॉफी टू कूल डाउन। ठीक है, तो मतलब कुछ तो यहां मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या है? वो मिसिंग है सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक, तो चलिए पहले जरा बोर्ड को क्लीन करते हैं, फिर हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। इसमें एक नाम और जुड़ेगा, साइंस में हमेशा ये होता है,
एक साइंटिस्ट कुछ प्रोड्यूस मतलब कुछ बताता है, फिर उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट उसमें आके मिलके कुछ करेक्शंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, थियोरेटिकली तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम कुछ देख रहे हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर। ठीक, और कभी आपको कंफ्यूजन हो तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक टर्म बताने के बाद फिर मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। अच्छा, अभी तक जो भी फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया वो एसोसिएटेड था ब्लैक बॉडी के रेडिएशन से, मगर मान लीजिए मेरे पास ब्लैक बॉडी नहीं है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जैसे ये चौक का बॉक्स है या ये डस्टर है या मेटल ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये फॉर्मूला H इज इक्वल टू ए टी टू द पावर 4 एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रिजल्ट सीखा है, अब उस रिजल्ट में जो चेंजेस हैं हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उनको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉन ब्लैक body, then H is equal to, ये कौन आ गया भाई, क्या नाम है इसका, ये emissivity है। ठीक, कैसे इस concept को आप visualize कर सकते हो, I don't know आप लोगों ने कभी देखा या नहीं, लेकिन आप कहीं पे कोल जलता हुआ देखें, कोयला जिसको बोलते हैं ना, कभी आप टीवी वगैरह में भी देख सकते हो बर्निंग कोल। तो मान लीजिए काफ़ी बिग सा एक चंक है, मतलब एक थोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ढेर टाइप का लगा हुआ है ना, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड इन हिंदी, इट मे बी लाइक ह्यूज पाइल ऑफ कोल, और अगर वो जल रहा है तो उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स तैयार हो जाते हैं जगह जगह पे, है ना, कहीं पे कोल है कहीं पे थोड़ा सा गैपिंग होती है, तो जो आउटसाइड कोल होता है उसका कलर डल होता है, इट्स नॉट रेड हॉट, लेकिन जो पॉकेट्स हैं उनका कलर होता है रेड, ऑलमोस्ट रेड हॉट ऑरेंज। तो एमिसिविटी क्या है, इट इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द सरफेस, मतलब कोल को इस तरीके से अस्यूम करिए या ऐसे अस्यूम करिए कि आई हैव फ्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी का सरफेस रफ है किसी का ब्लैक है किसी का कैसा है, तो क्या सभी से रेट ऑफ एमिसिविटी सेम होगी, नहीं डिफरेंट होगी। सो If object is non-black body, then ये formula आप apply करोगे। लेकिन अभी भी इसमें एक important term missing है, that is temperature of surrounding। अगर बाहर का temperature 27-28 degrees है, जैसा कि right now in Delhi, just because of rain and all this, तो आप अपनी car के शीशे को, windows को हल्का सा open करके without AC चल सकते हो, because you will feel comfortable। But if it is 45 outside, तो इसका मतलब है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सराउंडिंग टेम्परेचर वो तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर इसमें आया हमारा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, टू कंसीडर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, टेम्परेचर ऑफ नियर अबाउट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे हम लोग लॉ लेते हैं, दैट इज स्टीफेंस वोल्ट्जमैन, ये भी दो नाम है भाई साइंटिस्ट के, वोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, इस रूम में कोई एसी नहीं है, रूम का टेम्परेचर 27 डिग्रीज है, अगर मैं यहां पे चाय या कॉफी रखता हूं फॉर लॉन्ग टाइम द टी और कॉफी इज गोइंग टू बी सफिशियंटली हॉट, बट
If 3 ACs are running with 16 degrees temperature, तो चाय या कॉफी यहाँ मैं रखूँगा और मूवमेंट में थोड़ा सा भी डिले करूँगा, बेकार हो चुकी होगी. फाइन. तो उस कंसिडरेशन में जो हम रिजल्ट यूज करेंगे उसमें बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, वेयर टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आउटसाइड. सराउंडिंग तो फिर हो गया आप बहुत बड़ा, वो आउटसाइड मतलब रूम, जैसे कि ये रूम है छोटा सा सराउंडिंग. ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अच्छा, ये तो हुए वो रिजल्ट्स जिन्हें मैं कहूंगा कि भाई ये थोड़ा सा स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं. अब एक नाम मैं मेंशन करूंगा, मिस्टर न्यूटन, ग्रेट साइंटिस्ट, और लगभग उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेविटेशनल लॉ. आपने डेफिनेटली 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक तो उन्होंने दिया था लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स की वेलोसिटी, ठीक है ना, इन एयर, और वो फिर बाद में करेक्शन लैपलास ने किया था, वो थोड़ी इनकरेक्ट थी. उसी तरीके से उन्होंने, न्यूटन ने ही, किसी भी बॉडी को कूल होने का एक फॉर्मूला दिया है. फॉर्मूला क्या है? मैं कॉफ़ी लेकर आया 80 डिग्री सेंटीग्रेड की मशीन से निकाल के यहाँ रख दी मैंने, ठीक. अब ये सारे फॉर्मूले तो मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है. एक बेसिक फार्मूला मैं चाहता हूँ कि भाई किस तरीके से ये कॉफ़ी ठंडी हो रही है. तो न्यूटन ने कहा कि ये सारे फार्मूले थोड़ी देर के लिए हम लोग किनारे रखते हैं, हम एक इनका एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हैं. अगर जो बॉडी है, कप, कॉफ़ी का कप या चाय का कप है, उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में थोड़ा ही डिफरेंस है, लाइक 32, 35, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो लॉ मैं दे रहा हूँ, मतलब न्यूटन, वो एप्लीकेबल होगा और वो आपको ये बताएगा कि ये चाय या कॉफ़ी कितनी तेज़ी से ठंडी होगी. ठीक, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, क्योंकि प्रैक्टिकल यही है. और भाई ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसके बेसिस पे ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आई एम श्योर उस सिंपल से क्वेश्चन को आप में से लगभग सारे ही लोग गलत करते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक, देखिए वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रेट ऑफ कूलिंग है वो एक्सपोनेंशियल होती है. एक्सपोनेंशियल का मतलब है, अगर मैं फिर से वही कॉफी ही अभी मैं यूज कर रहा हूं क्लास में, अगर मैं कॉफी रख देता हूं तो 85-80 डिग्री सेंटीग्रेड से कॉफी को 60 डिग्री टेम्परेचर लाने में बहुत तेजी से ठंडी होगी, लेकिन 60 से 50 आने में इसे टाइम लगेगा. जितना ज्यादा हॉट उतना ही जल्दी वो थोड़ा सा कूल आने की कोशिश, क्योंकि हीट रेडिएशन जल्दी जल्दी रेडिएट करेगा. ठीक, तो ये दो तीन चीजें इसके बारे में जान लेते हैं. पहली बात, एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज नियरली 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई रूम टेम्परेचर आपका 16 डिग्री है, कॉफी आपने 100 डिग्री की रख दी है, 90 डिग्री की रख दी है, फिर नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा ये. तो रेंज जो है वो 30-35 डिग्री की अगर डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग, तो ये एप्लीकेबल है. लेकिन एक इसमें और चीज है, इफ नियर द हॉट बॉडी एयर सर्कुलेशन इज टेकिंग प्लेस देन दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर
हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये भी एक बड़ा अच्छा अजम्पशन है। मान लीजिए मैं यहाँ कॉफी रख देता हूँ, ठीक है, कॉफी का टेम्परेचर है से फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्रीज। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाउ आई होप ये आपको सेट हो जाएगा। एसी भी चल रहा है और एसी ने टेम्परेचर कर रखा है मान लीजिए 20 डिग्री, तो कॉफी और एसी के टेम्परेचर में रेंज का डिफरेंस 60 है, ठीक। तो ये 30-35 वाली कंडीशन तो फेल हो रही है, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेबल फैन रख के चला देता हूँ तो कॉफ़ी के चारों तरफ तेजी से एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, तो इससे डबल टेम्परेचर होने पे भी, हाई टेम्परेचर होने पे भी दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, ठीक। आइए फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेट ऑफ कूलिंग, अच्छा इसमें ना एक तो रिजल्ट ड्राइव करते हैं हम लोग, एसोसिएटेड होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस को लेके, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में वो बड़ा सिंपल रिजल्ट होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक। तो रेट ऑफ कूलिंग होता है -dT/dT। देखिए ये है टेम्परेचर और ये है टाइम, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू T-T0। सबसे बढ़िया चीज़ क्या की गई नहीं, न्यूटन ने क्या किया, देखिए ना यहां से कितनी खूबसूरत चीज है। अरे भाई पावर हटा दी गई, कितना आसान हो गया। सोचिए एक सेकंड को, मान लीजिए टी नॉट था भाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी नॉट टी नॉट, सराउंड रूम टेम्परेचर, फाइन। तो इसमें जब मैं 273 ऐड करूंगा तो मुझे 300 मिल गया ये, और मान लीजिए कॉफी का कप जो था वो 77 पे था, तो 77 प्लस 273 आप ऐड कर लीजिए, कितना मिल गया आपको 7 3 10 0 और 5 और ये हुआ 2 सॉरी 3, ठीक। अब आप इस वैल्यूज को जरा रखिए, 350 माइनस 300, आप बोलोगे अरे बड़ी आसानी से 50 आ गया, लेकिन आप यहीं जरा इमेजिन करिए कि पावर 4 भी होती तो 350 होल टू द पावर 4 कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं न्यूटन का ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट जो है वो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, ठीक। चलिए जो रिजल्ट हम यूज करेंगे हम जरा उसकी बात करते हैं। हम जो रिजल्ट यूज करेंगे, रिजल्ट फॉर प्रॉब्लम्स, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, T1 - T2 = K T' - T0 × T। चलिए जरा मतलब समझ लेते हैं इन सब टर्म्स का। तो भाई T1 है हायर टेम्परेचर का मतलब समझे ना, जो मेरे पास में कॉफी है वो इनिशियली कितने टेम्परेचर पे थी, सो इट वॉज एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट इज T1 से फॉर एग्जाम्पल। T2 इज लेस देन T1 टेम्परेचर, जो थोड़ा कम हो गया। अच्छा वो देखिए स्मॉल टी दिख रहा है, स्मॉल टी टाइम है, ठीक। टी नॉट रूम टेम्परेचर है, सराउंडिंग का रूम टेम्परेचर, ठीक। के भाई आप लोग जानते ही हैं कांस्टेंट है, ये मिस्टर टी प्राइम कौन है, तो भाई टी प्राइम एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है T1 + T2/2। अब जब भी आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो इस टॉपिक के बेस पे जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से वाटर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है 10 मिनट में, 10 मिनट्स, ठीक। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो फाइंड द टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, फाइंड इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है भाई। टेक टी नॉट एज बाहर का टेम्परेचर, चलिए हम लोग ले लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना हो तो देखिए वैल्यूज में क्या भरूंगा, तो T1 मेरा हो गया 60,
T2 हो गया 40, टाइम कितना हो गया भाई, ये 10 मिनट का टाइम हो गया, ये हम इक्वेशन बनाएंगे दो, ठीक। तो पहली इक्वेशन मैं बनाऊंगा 60 - 40 = K। अच्छा, उसके बाद मुझे T प्राइम करना है, तो 60 + 40 = 100/2 = 50 - 10, कुछ मत करिए, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और टाइम कितना है 10 मिनट का, एज इट इज छोड़ दीजिए, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई हमारी, इधर नाम दे दे रहा हूं, ठीक। दूसरी बारी में क्या कहना है कि अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर, तो भाई अगले 10 मिनट की शुरुआत कहां से होगी, 40 से, तो मान लीजिए वो टेम्परेचर थीटा है बाद वाला के, अब चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 40 + θ / 2 एज इट इज मुझे लिखना पड़ेगा, माइनस रूम टेम्परेचर तो वही रहेगा 10। अब ये दो इक्वेशंस मेरे पास हैं, मैं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करके ये टेम्परेचर निकाल लूंगा, ठीक। तो बेसिकली मैं ये समझाना आपको चाह रहा था कि एक्चुअली हम लोग कैसे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए, कभी ये गलती मत करिएगा आप इसको सॉल्व करने लग जाएं, आपको पता है क्या मिलेगा, 20 = 40 K × 10, आपको समझ ही नहीं पाओगे है क्या, कुछ नहीं करना है, हमेशा बस एज इट इज छोड़ना है, फिर आपने करना क्या चाहिए 1/2, हमेशा हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट 4 मार्क्स, ठीक। चलिए भाई ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसके फर्दर इसको एक्सपेंड करूंगा, तो हम लोग अब इसको यहीं पे रोकेंगे। आज हमने 3-4 फॉर्मूले इसमें सीखे, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट, स्टीफेंस लॉ, स्टीफन वोल्टमैन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आप श्योर हो जाइए इसमें से कम 2 क्वेश्चन सिर्फ इतने से, ठीक है ना। अगर विश्वास नहीं होता तो एक काम करते हैं, आप चेक कर लो, ठीक, हर साल के पेपर देख लो, अगर इन कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, यू टेल मी, फाइन। सो विद दिस चैलेंज, नॉट अ चैलेंज, अ सिंपल फैक्ट शेयरिंग, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।